गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के चर्चा का विषय होगा सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है जो जो रॉकेट्स में यूज़ होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी फोकस यूएसए या रशिया, आज का रशिया, पहले का यूएसएसआर, सोवियत रूस, इस पर नहीं रहेगा, हमारा फोकस इंडिया पर रहेगा। मैं शुरू से फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को शॉर्ट बनाऊँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम की कमी होती होगी, क्योंकि आप लोग ट्यूशंस वगैरह और भी आपके कई सब्जेक्ट्स, उनमें फोकस करना पड़ता होगा। तो आज कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके उसमें मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँ, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भेजिएगा या अपना फ़ोन नंबर बताइएगा, मैं आपको कॉल करके समझा दूँगा। ओके, सो टुडे इज 8th of November 2022 एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, रॉकेट इंजन्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट भारत में। आप सभी जानते हैं कि आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कई बार कि अमेरिका ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, रशिया ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, इंडिया ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है ना। इंडिया भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, सारे कंट्रीज जो कैपेबल हैं जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, सैटेलाइट बनाना आसान है, सैटेलाइट बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लगभग आजकल के तो स्कूल के बच्चे भी सैटेलाइट बना लेते हैं, माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट वो भी बना लेते हैं स्कूल के बच्चे एज ए पार्ट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट। लेकिन सैटेलाइट को लॉन्च करना और ऑर्बिट में डालना, जिसके लिए एक रॉकेट सिस्टम की ज़रूरत होती है, ये एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड फील्ड है। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक एडवांस्ड फील्ड है जिसके लिए कि बहुत ही हाई लेवल के टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की ज़रूरत है, और इंडिया ने वो एक्वायर कर लिया है, ग्रेजुअली एक्वायर कर लिया है। तो ये देखना है सबसे पहले हमें कि इंडिया के पास कितने तरह के रॉकेट्स हैं जिसके इस्तेमाल करके इंडिया जो है अपने सैटेलाइट्स को, या दूसरे कंट्री जो इंडिया से हेल्प मांगता है, या इंडिया दूसरे कंट्री के सैटेलाइट्स भी भेजता है ऑर्बिट्स में, उसके लिए इंडिया चार्ज करता है और बहुत कम चार्ज करता है। मतलब जो बाहर के कंट्री जो है, मान लीजिए फ्रांस हो गया, यूएस हो गया या रशिया, उसको अगर बोलोगे ठीक है कि आप तो अपना सैटेलाइट भेज ही रहे हो, आपके साथ साथ आप हमारा भी सैटेलाइट लॉन्च कर लो, वो कर देंगे आपके लिए, लेकिन आपको चार्ज करेंगे। लेकिन वो जो चार्ज करते हैं, इंडिया इनका 1/10 चार्ज करता है। आपको समझ में आ रहा है बात? मतलब 1/10 से भी कम चार्ज करता है इंडिया, इतने सस्ते में कर देता है इंडिया, ठीक है ना। तो इसीलिए काफ़ी सारे कंट्रीज है, क्योंकि इंडियन जो लॉन्च व्हीकल्स का मतलब, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का मतलब होता है रॉकेट्स। व्हीकल मतलब कोई भी ऊर्जा से चलने वाले मशीन जो कोई चीज़ को या इंसान को या कोई गुड्स को, कोई भी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, वो व्हीकल बोलते हैं। लॉन्च मतलब प्रक्षेपण, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लॉन्च मतलब जो लॉन्च करना, जैसे दिवाली में हम लोग रॉकेट में आग लगाते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है, ऊपर चले जाता है, ठीक है। सैटेलाइट मतलब आप सब जानते हैं, ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट। तो इंडिया के पास जो है, तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है रॉकेट, सैटेलाइट और रॉकेट इंजन्स पर है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब ये है कि देखिए, आज का ज़माना वो है ना कि स्पेस रेस में आगे बढ़ते रहना, स्पेस रेस में अपना नाम कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो कंट्री जितना आगे स्पेस रेस में है, उस कंट्री को उतना ज़्यादा इज्जत से देखा जाता है। और हम तो इंडियन है, हम रिक्वेस्ट करते लोगों को कि ज़रूरत पड़ने पर कि हमें हेल्प कर दो, और अगर हमें हेल्प ना करें या किसी जियोपॉलिटिकल दबाव से किसी कारणवश वो हेल्प ना कर पाएँ, तो हम अपने आप डेवलप कर लेते हैं चीज़ों को। टाइम लगता है हमें, धीरे धीरे करके हम डेवलप कर लेते हैं,
क्योंकि हमारे पास तो पहले हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है काफ़ी लेट से शुरू हुई। हम 1947 तक तो ब्रिटिश के अंडर में थे, उसके बाद ही जो है हम लोगों ने धीरे 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 साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की और तरह बढ़ते गए। ब्रिटिश भी जो करना था हमारे लिए करके गए थे, रेलवेज बना के गए थे, ठीक है ना। और इसका आगे का जो चीज़ है स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह का डेवलपमेंट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंसी होता रहा है इंडिया में। अब क्या होता है, जो भी जैसे इंडिया के पास जो सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंडिया के पास दो तरह के रॉकेट सिस्टम्स है, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है पोलर सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, या फिर आप इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये दोनों सेम है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये दोनों सेम है और पोलर सैटेलाइट होते हैं। ये दो तरह के सैटेलाइट होते हैं और ये जो पोलर सैटेलाइट है इसको पोलर ऑर्बिट में डाला जाता है रॉकेट के द्वारा, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाता है। अब आप अगर पूछेंगे पहले कि पोलर तो मतलब पोल, सुनकर तो आप सब जान ही गए होंगे कि पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब ये होता है कि जो पोलर सैटेलाइट होता है वो कैसा ऑर्बिट में डाला जाता है, उसको प्लेस किया जाता है जो कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल का ऊपर हो या उसके ऊपर चक्कर लगाता रहे, वो कैसे वो अभी हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये तो एक्सिस जो है अर्थ का टिल्टर है, हमेशा आप जानते हैं 23.5 डिग्री का टिल्ट है अर्थ का एक्सिस जो है। ये जो पीएसएलवी जो होता है, ये ध्यान दीजिए, पीएसएलवी पोलर, पोलर किससे रिलेटेड है, पोल, पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल से क्या आया, पोल से क्या आया हमारे पास पोलर, जैसे पोलर वियर बोलते हैं ना, ध्रुवीय भालू व्हाइट कलर का होता है, जो पोल्स में पाते हैं ठंडा एरिया में आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल में पोलर बियर मिलता है। तो उसी तरह ये जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट का नाम है, जो कि पीएसएलवी वाले जो सैटेलाइट्स हैं जो उन ऑर्बिट में डालता है, तो उसको बोलते हैं पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो पोलर सैटेलाइट को जो रॉकेट उसका ऑर्बिट में डाल देता है, यानी कि ऑर्बिट में जाकर उसको छोड़ देता है स्पेस में, पोलर सैटेलाइट को जो जाकर छोड़ देता है पोलर ऑर्बिट में छोड़ देता है, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो पोलर सैटेलाइट होता है, मान के चलिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, पोलर सैटेलाइट जो है वो ऐसे ऐसे करके घूमता है, ऐसे ऊपर से नीचे, 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 ऊपर से ऐसे, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल से ऊपर, नॉर्थ पोल से ऊपर, साउथ पोल से ऊपर, नॉर्थ पोल से ऊपर, साउथ पोल से ऊपर, ऐसे अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहता है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। कौन सा सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। अब आप कहेंगे कि पोलर सैटेलाइट की हमें ज़रूरत क्या है। पोलर सैटेलाइट का जो मैक्सिमम काम जो होता है रिमोट सेंसिंग के लिए काम आता है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग वो टेक्नोलॉजी है, वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर करते, कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते बिना उस चीज़ को छुए हुए या बिना उस चीज़ के नज़दीक गए हुए। जो सैटेलाइट होती है ये तो काफ़ी ऊपर आसमान में होती है, तो उस चीज़ के नज़दीक नहीं होती है। तो जो सैटेलाइट ऊपर से जो है उनके पास सेंसर्स लगे होते हैं, सैटेलाइट में सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि ये जैसे मान के चलिए ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, ये सैटेलाइट है, इनके में सेंसर्स सब लगे रहते हैं, इनमें सेंसर्स लगे रहते हैं जिससे कि ये रिमोट सेंसिंग करते हैं। रिमोट सेंसिंग किस किस चीज़ में काम आता है, कई चीज़ में काम आता है, मेटियोरोलॉजी में काम आता है, समुद्र को देखने में, जाँच करने में कैसे क्या चल रहा है उसमें काम आता है, वेदर फोरकास्ट करने में काम आता है रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ों में काम आता है। कहाँ पर बाई चांस कहीं पर जो फॉल्ट बन रहा है, यानी कि ज़मीन में कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं कुछ, और ये सबको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। यानी कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो घटना जो घट रही है, कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो है उसको सेंस करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन आई हम ज़मीन में बैठ के उस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए जब कोई चीज़
जब कोई मशीनरी, जब कोई सैटेलाइट ऊपर से देख के हमें बताती है, वो रिमोट सेंसिंग हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिट क्या होती है, कैसे घूमता है, ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे करके घूमते रहता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। मतलब कि वो ये जो अर्थ का चक्कर जो है ये बार बार लगाते रहता है, पोल टू पोल अर्थ के चक्कर लगाते रहता है। ये हो गया पोलर सैटेलाइट हो गया। दूसरा सैटेलाइट जो तरह का सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं वो है GSLV। PSLV का ऑर्बिट आपको याद रखना होगा, याद रखिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो पोलर सैटेलाइट घूमते रहता है, और ये बेसिकली मोस्टली जो है रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, REMOTE, रिमोट सेंसिंग, बता चुका हूँ मैं रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। अब दूसरा आ गया हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, अब देखिए एक ऑर्बिट होता है, कई सारे ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट वो उस रास्ते को बोलता है ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये ध्यान से रखिए, ये तो सबको पता ही है। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो भी बोलते हैं। अब जब कोई भी जो सैटेलाइट को एक इतनी दूरी पर अर्थ के सरफेस से, यानी कि जमीन से, जो ये जो हमारा जमीन है, जो अर्थ सरफेस है, जमीन से एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे अगर एक सैटेलाइट को रखा जाए, जिसको हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है अर्थ से कितने ऊंचे में होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में होता है। ये ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। वो जो हम आपको बताए थे जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा जाता है, जो PSLV रॉकेट से भेजा जाता है, पोलर सैटेलाइट को भेजा जाता है, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये जो है GS जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये किससे भेजा जाता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है रॉकेट, इससे भेजा जाता है। ये जो है, ये हम इनकी जो ऑर्बिट जो है नॉर्मली इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, इस तरह की ऑर्बिट होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ठीक है। ये अर्थ से, हमारे जो अर्थ की सतह से, हमारे जमीन के सतह से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर में होते हैं। 36,000 किलोमीटर ऊपर जो ऑर्बिट बनती है उसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। और वहाँ पर अगर कोई चीज़ को हम प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम एक सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं, एक सैटेलाइट को या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हम प्लेस कर देते हैं एक पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए कि ये इंडिया, इंडिया में ये है चकंदरपुर, या ये है दिल्ली, ये दिल्ली है, हम दिल्ली के ऊपर एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च प्लेस कर देते हैं ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, वो ऐसा सैटेलाइट ऐसा है जो कि हमें प्रतीत होगा कि सैटेलाइट रुका हुआ है। क्यों सैटेलाइट रुका हुआ है, इसीलिए है क्योंकि अगर हम उसको दिल्ली के ऊपर अगर हम उसको फोकस कर देते हैं उस सैटेलाइट को, और दिन में 24 घंटे दिल्ली को ही देखता रहेगा, यानी कि जो भी डेटा, जो भी पिक्चर्स, जो भी इमेजेस हमें भेजता रहेगा, ग्राउंड कंट्रोल को भेजता रहेगा वो सैटेलाइट, वो सिर्फ दिल्ली का ही होगा। और ये पॉसिबल कब होता है, ये पॉसिबल तभी होता है जब वो सैटेलाइट का रोटेशनल स्पीड, रोटेशन जो है वो ऑर्बिट का में जो रोटेट कर रहा हो सैटेलाइट जो है उतना ही टाइम ले जितना टाइम में कि अर्थ जो है रोटेट करता है। अर्थ कितना टाइम में रोटेट करता है, 24 घंटा, 24 आवर्स, एवरीबडी नोस इट, सबको को मालूम है कि 24 घंटा में अर्थ जो है ऐसा ऐसा करके घूमता है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मैं कोई एक बॉल लेता हूँ कुछ, मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ जो है, ये जो ऐसे 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 घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये एक बार जो एक चक्कर लगा लेता है 24 आवर्स में, अब हम जो ये जियोस्टेशनरी, ये मान लीजिए ये जो है, ये पेन जो देख रहे हैं, ये है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को हम दिल्ली के ऊपर में इसको फोकस कर देते हैं, और इसकी ऊंचाई कितने में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, जमीन की सतह से, सी लेवल से, मीन सी लेवल से, जमीन से 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम इस सैटेलाइट को यहाँ पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं तो ये जो सैटेलाइट जो है एक ही जगह को ही देखता रहेगा, यानी कि पहला देख लीजिए, अगर ये पोलर सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ अपना घूम रहा है, अर्थ तो अपना
अर्थ अपना घूम रहा है, अपना 24 घंटे में दिन रात हो रहा है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये जो PSLV जो पोलर सेटेलाइट, वो कैसे घूमता है, ऐसे। ये मान लीजिए ये पोलर सेटेलाइट ऐसे घूमता रहेगा, अर्थ अपना घूम रहा है, अर्थ अपना घूम रहा है, ये अपना ऐसे 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 घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अर्थ अपना घूम रहा है और ये अपना ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन वहीं अगर ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, वो कैसे घूमेगा, ये देखिए, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका सैटेलाइट, ये हो गया अर्थ। अब अर्थ घूम रहा है, अब इसके साथ साथ ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, ये भी ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अर्थ घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, ये भी इसके साथ। अर्थ को 24 घंटे लग रहा है ये घूमने में, 24 आवर्स, इसको भी पूरे 24 घंटे लगता है। मतलब इसका जो रोटेशन का टाइमिंग जो अर्थ का है 24 घंटा, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का भी रोटेशन का टाइमिंग जो है 24 घंटा दोनों। यानी कि इसको हम जिसके ऊपर फोकस कर दें एक बार, तो वो वही चीज़ को देखता रहेगा, उसी को चीज़ को ही मॉनिटर करता रहेगा। ये हो गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो मेनली जो यूज़ होते हैं टेलीकम्युनिकेशंस में, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका मेजर काम है, ठीक है। विच सैटेलाइट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस, टेलीकम्युनिकेशन पर्पजेस, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कि खाली फोन करना नहीं, कोई भी चीज जिसमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ये जो आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पोलर सैटेलाइट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये हो गया आपका पोलर सैटेलाइट, इसको सैटेलाइट मानिए पेन को, ये हो गया पोलर सैटेलाइट, ये अर्थ, ये पोलर सैटेलाइट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो अर्थ जो घूम रहा है, इसके साथ साथ घूमता रहेगा, दोनों का टाइम रोटेशन का टाइम सेम 24 आवर्स, इसीलिए वो एक ही जगह पे फोकस करते रहता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब ये जो पोलर सैटेलाइट है, अब मैं दोबारा बैक आता हूँ, फिलहाल तो आपको क्लियर हो गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है और पोलर सैटेलाइट क्या होती है। अब ये जो पोलर सैटेलाइट है, ये अर्थ से कितने ऊंचाई पे, इसकी ऑर्बिट कितने ऊंचाई पे होती है, मतलब स्पेस में कितने ऊंचाई पे होती है। आपको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, मीन सी लेवल से, जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर में होता है जियोस्टेशनरी। तो उसी तरह जो है पोलर सैटेलाइट जो है अर्थ के सतह से जो है कितने ऊंचाई में होता होगा, करीब करीब 600 से आगे 600, 900, 1200 किलोमीटर तक की जो ऑर्बिट होती है इतने में होता है, 600 से 900, 1000, 1200 तक, ठीक है। ये जो है पोलर ऑर्बिट में ये चलते हैं, कौन, PSLV, PSLV तो व्हीकल का नाम है, रॉकेट का नाम है, पोलर सैटेलाइट्स जो है, ठीक है, ये जमीन से इतने ऊंचाई पर होती है, स्पेस में इतने ऊंचाई में होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर जो ये जो इंडिया ने जो रॉकेट बनाया, तो एकदम से इतने एडवांस रॉकेट बना दिया क्या, नहीं। अभी जो है, अभी जो हमारे जो अभी जो हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में जो इंडिया के पास सबसे स्ट्रांगेस्ट सबसे मजबूत रॉकेट सिस्टम जो है वो कौन सा है, GSLV, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, ये सबसे मजबूत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर फिर आपने PSLV बताया था, जी बिल्कुल बताया था, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो काफ़ी डिपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है, इससे हमने कई हंड्रेड्स ऑफ लॉन्च किए हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी सक्सेसफुली। ये आज तक मात्र 2 बार फेल हुआ है, 2 बार, एक बार शुरू के टाइम में जब 1993 में जब इसका स्टार्टिंग हुआ था, जब फर्स्ट टाइम जो टेस्ट कर रहे थे उस टाइम, और फिर बाद में एक बार फेल हुआ था। ये नॉर्मली आज तक कभी नहीं फेल हुआ। इसकी काबिलियत ये है कि ये एक एक बार में 104 सैटेलाइट भी ले जाता है, 104 सैटेलाइट एक सिंगल लॉन्च में। आप सोचिए, मान के चलिए कि उसमें से जो है 2 सैटेलाइट हमारे हैं इंडिया के, 4 मान के चलिए, 4 हमारे हैं इंडिया के, और बाकी के 100 सैटेलाइट के वो अगर 5-5 करोड़ भी लेता है लॉन्च करने के लिए उनके सैटेलाइट, जिन कंट्री के पास जो है अपनी खुद की लॉन्च व्हीकल नहीं है, यानी कि अपनी खुद की रॉकेट सिस्टम नहीं है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, 5-5 करोड़ भी रहता है, तो 100 रॉकेट के हमारे पास 500 करोड़ रुपये आ जाते हैं, ठीक है। तो PSLV GSLV क्लियर हो गया। लेकिन अब जो है ये PSLV और GSLV जो भी ये रॉकेट सिस्टम से, ये इंडिया में कहाँ से लॉन्च होते हैं, ये इंडिया में आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है, श्रीहरिकोटा, श्री
श्रीहरिकोटा से अभी लॉन्च होते हैं ये जो रॉकेट्स जो है PSLV में और GSLV में। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का अगर आप मैप देखिएगा, ये इंडिया है, इंडिया है जो है, जो भी है इंडिया, इस साइड में आप देखिएगा यहाँ आंध्र प्रदेश कहीं पर है और इधर आपको मिल जाएगा श्रीहरिकोटा। यहाँ से लॉन्च होता है, यहाँ से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। ये तो सारा समुंदर है, आप जानते ही हैं। अब देख लीजिए मैप में, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लॉन्च होते हैं इंडिया में। अब श्रीहरिकोटा जो है, जो लॉन्च सेंटर है उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर। सतीश धवन जो थे ये इंडिया के बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले चेयरमैन बने थे सतीश धवन। उन्हीं के नाम से है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से हमारे PSLV भी लॉन्च होते हैं और यहाँ से हमारे GSLV भी लॉन्च होते हैं। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा का जो लॉन्च पैड है वहाँ पर दो लॉन्च पैड्स हैं। ठीक है, एक तो शुरू से था, एक बाद में बनाया गया एक लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में। पहले वाला जो लॉन्च पैड जो था वो था, उसमें से PSLV रॉकेट सिर्फ लॉन्च किए जा सकते थे। दूसरा वाला जो लॉन्च पैड, नया लॉन्च पैड बना है, वो यूनिवर्सल लॉन्च पैड है। यूनिवर्सल मतलब किसी भी किस्म का रॉकेट वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ठीक है, दो लॉन्च पैड है। अब रॉकेट जो है, अगर रॉकेट का अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आज मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो है टाइम कम से कम लगे, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम टाइम में मिले। तो थोड़ा पेशेंस होकर इसको सुनिएगा। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम तो अपना तो रॉकेट्स, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लॉन्च भी कर रहे हैं, सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के भी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस जो है इसरो के लिए, जो बिज़नेस कंडक्ट करता है, कौन बिज़नेस कंडक्ट करता है? बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों से संपर्क करना, उनसे बोलना कि भाई साहब आपके पास सैटेलाइट है तो हम इतने में लॉन्च कर देंगे। अच्छा, आप अमेरिका से लॉन्च करवाना चाहते हो, अमेरिका कितना चार्ज कर रहा है? ना अमेरिका चार्ज कर रहा हमसे, वो बोलेगा अमेरिका चार्ज कर रहा हमसे 200 करोड़ चार्ज कर रहा अमेरिका आपसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। अब हमारे पास आ जाइए, हम 20 करोड़ में कर देंगे, या फिर हम आ जाइए आप हमारे पास 5 करोड़ में हम कर देंगे कंट्री देख के, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम है। तो ये एक गवर्नमेंट ने बिज़नेस यूनिट बनाया, अलग से बिज़नेस यूनिट, जिसका काम ये है कि आपको बिज़नेस लाना है इसरो के लिए, वो भी सरकारी है, सरकारी कंपनी। तो ये देखते हुए जो भारत सरकार ने जो है एक सरकारी कंपनी बनाया था 1992 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाया था, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम था इसका? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब एंट्रिक्स वर्ड अब देखिए, एंट्रिक्स वर्ड देखिए, अब हमारे हिंदी का मतलब अगर आप देखिएगा, ये बहुत क्लोज है हिंदी का वर्ड अंतरिक्ष से, मतलब अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। काम क्या था इनका काम ये था, जो कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड का काम ये था कि दूसरे कंट्रीज़ को आप कॉन्टैक्ट करो, दूसरे कंट्रीज से बिजनेस लाओ हमारे लिए, उनको समझाओ कि हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है कितने रिलायबल हैं। और दुनिया जानती है, देखिए ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ये जो कोई बोले कि हम सैटेलाइट हम लॉन्च कर देंगे और ये छुप के रह जाएगा बाकी से, नहीं, आजकल टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांसमेंट हो चुकी है, आराम से दूसरे कंट्रीज़ को पता चल जाता है कि किस कंट्री के कितने सक्सेसफुल लॉन्च हुए, कितने फेलियर्स हुए, कितने सैटेलाइट्स इन्होंने स्पेस पे डाल रखे हैं। ये बड़ा ही आसान है। तो जब इतने सारे डेटा हमारे पास जो है, रिलायबल डेटा हैं, तो दूसरे कंट्रीज़ को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। क्योंकि कोई कंट्री ये तो नहीं चाहे कि भाई ये मेरा सैटेलाइट है लो लॉन्च कर दो, और उसको भरोसा नहीं कि कहीं हमारा रॉकेट चले या ना चले। चाइना का माल तो नहीं है ना, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वो सिस्टम नहीं है। एक रिलायबिलिटी होना है, एक मतलब दुनिया को पता होना चाहिए कि ये रिलायबल है, यानी कि इनको अगर हम अपना सैटेलाइट देते तो हमारा सैटेलाइट 100% सेफ है, और हमारे सैटेलाइट को जो ऑर्बिट में डालना है वो ऑर्बिट में जो है इसरो जरूर डालेगा। और ये बिजनेस करता है एंट्रिक्स। 1992 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये इनकॉरपोरेट किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है 2019 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दूसरा मतलब जो इस तरह का बिजनेस यूनिट बनाया, न्यू इंडिया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन या एंट्रिक्स कॉरपोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस लाया इंडिया के लिए, लेकिन 2019 में फिर गवर्नमेंट का हो सकता है उनका अपना ही कुछ प्लान अलग हो या जो भी हो, अब ये तो मुझे रीज़न नहीं मालूम कि बाद में वही सेम काम के लिए एक दूसरा कंपनी क्यों लॉन्च किया गया 2019 में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हालांकि रिसर्च करने समय पता चलेगा, लेकिन हमारा मेजर फोकस इसमें नहीं था इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि इंडिया के लिए बिजनेस लाती है, ब्राज़ील से जो है इन्होंने भी बिजनेस लाया हुआ है इंडिया के लिए, हाँ, उनका एक छोटा सैटेलाइट था जो कि लॉन्च करना था, जो इंडिया ने अपने सैटेलाइट्स के साथ उसको भी लॉन्च किया, उनको ब्राज़ील गवर्नमेंट को पैसा चार्ज किया। ब्राज़ील पहले कोई और कंट्री से शायद लॉन्च करवाना चाहता था, तो इंडिया का जो ये एजेंसी जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उनको समझाया, उनको बताया कि आप जो भी पेमेंट करोगे उनसे उसके 10 गुना कम चार्ज में ही हम आपका कर देंगे और सक्सेसफुली करेंगे, और सक्सेसफुली हुआ भी। बेसिकली ब्राज़ील को एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए था जो कि मतलब उनका जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है रिमोट सेंसिंग के लिए ही चाहिए था, उनका जो अमेजॉन फॉरेस्ट है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए और ये रिमोट सेंसिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो 1992 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखिएगा, और बाद में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में, ये दो बिजनेस एंटिटी जो है गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस एंटिटी है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसरो को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम ही यही है। क्योंकि देखो इसरो के साइंटिस्ट जाके दूसरे कंट्रीज में घूम घूम के ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हम करें, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, R&D में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ये यूनिट्स गवर्नमेंट ने जो है ये यूनिट्स बनाए जो कि जिनका काम है न्यू बिजनेसेस लाना, ठीक है। अब जो है जो रॉकेट जो है, आखिर रॉकेट उड़ता कैसे, ठीक है, अब देखिएगा ना, आप अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं कभी, अगर आपने इंडिया में टीवी में न्यूज़ में देखा कि इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और वहाँ पर वो लाइव भी दिखाते हैं, दूरदर्शन में लाइव भी दिखाते हैं, आपको रॉकेट दिख जाएगा, एक लॉन्च पैड में खड़ा हुआ है रॉकेट जो है, और कुछ देर बाद रॉकेट उड़ गया, आप देखेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि ये PSLV रॉकेट है या GSLV रॉकेट है, यानी कि PSLV है या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ये जो रॉकेट में जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है ये पोलर ऑर्बिट में डाला जाएगा या जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाएगा, आप कैसे जानोगे, वो आप रॉकेट को देख के ही समझ में आपको आ जाएगा। रॉकेट को देखे होगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं ये PSLV रॉकेट है कि GSLV रॉकेट है, ठीक है। नॉर्मली जो है ये जो PSLV रॉकेट जो है, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ एक PSLV रॉकेट जो है, ये 2-dimensional पिक्चर है तो फिर आपको एक तरफ से ही दिख रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक PSLV रॉकेट के लिए, PSLV रॉकेट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है रॉकेट। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी रॉकेट PSLV हो या GSLV रॉकेट हो, ये जो ऊपर जो कोन चोंगा के तहत जैसे दिख रहा है ना, ये कोन जो दिख रहा है ये जो सैटेलाइट वगैरह जो है जो कि जिनको ऑर्बिट में प्लेस करना है, सारे सैटेलाइट यहाँ रखे जाते हैं, यहाँ सैटेलाइट ऊपर में, चाहे वो एक सैटेलाइट हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 104 हो, चाहे 130 हो, यहाँ रखे जाते हैं, डिपेंडिंग कि बड़ा सैटेलाइट है छोटा सैटेलाइट है क्या है, ठीक है, यहाँ पर रखे जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो रॉकेट जो है, अब ये जो स्टेजेस में बनता है रॉकेट, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, और ये हो गया फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो
तो ये जो पीएसएलवी रॉकेट में चार स्टेज होते हैं, ये याद रखिएगा। पीएसएलवी रॉकेट में कितना स्टेज होता है? चार स्टेज, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब रॉकेट में ईंधन जो यूज होता है, यानी कि फ्यूल जो यूज होता है, कौन सा फ्यूल यूज होता है रॉकेट में? जो फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है, लिक्विड फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है? सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फ्यूल यूज होता है। अब ये जो चार जो है, ये 1, 2, 3, 4 जो है रॉकेट जो है, ये पीएसएलवी रॉकेट में, पहला ये वाला में जो है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होगा, फिर लिक्विड फ्यूल यूज होगा, फिर सॉलिड फ्यूल यूज होगा, और फिर लिक्विड फ्यूल यूज होगा। अब आप बोल रहे होंगे सर, ये साइड में दो छोटे छोटे रॉकेट हैं। जब भी आप लॉन्च पैड में देखिएगा ना, इस तरह का जो है आपको दिख जाएगा, व्हाइट में होगा, रेड में होगा, व्हाइट में होगा, रेड में होगा, अब दिख जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, इसमें मतलब दो जो है सॉलिड फ्यूल के कंपार्टमेंट में है व्हाइट, और दो रेड में है, रेड कलर में, यानी कि लिक्विड फ्यूल का कंपार्टमेंट है, मतलब वो पीएसएलवी रॉकेट है, आप खुद समझ जाएंगे। और ऊपर जो होता है, इसमें जो है सैटेलाइट्स रखे रहते हैं, और इसके जो साइड में ये जो है, ये जो साइड में है, ये बूस्टर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बूस्टर्स। बूस्टिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना, बूस्टिंग, बूस्टर बोलते हैं इसको, बूस्टर्स, इसको बूस्टर्स बोलते हैं। पीएसएलवी रॉकेट दो बूस्टर नहीं होते, और ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और ज़्यादा बूस्टर्स होते हैं, चार बूस्टर्स होते हैं, छः बूस्टर्स होते हैं, डिपेंडिंग की पीएसएलवी के कौन से श्रेणी का रॉकेट है, ठीक है? अब ये बूस्टर्स का काम क्या है? बूस्टर्स का मतलब होता है कि गति को बढ़ाना, बूस्ट करना, बूस्ट करना यानी कि बढ़ाना, गति को बढ़ाना को बूस्टिंग कहते हैं। ये जो रॉकेट जो है, रॉकेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है? इतना ज़्यादा भारी होता है कि सिर्फ रॉकेट का जो एक जो शुरू में जो सॉलिड इंजन को फायर करके हम जो है रॉकेट को लिफ्ट अप नहीं करा सकते, ऊपर लिफ्ट नहीं करा सकते। तो एडिशनल थ्रस्ट पैदा करने के लिए, एडिशनल पावर देने के लिए, ताकि उड़े, तो ये बूस्टर्स लगाया जाता है साइड में, ये बूस्टर्स लगाया जाता है, ठीक है? तो एक जब शुरू में पहले ये स्टार्ट किया कर दिया गया मेन इंजन, फिर बूस्टर स्टार्ट कर दिया गया, थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद उनका टाइमिंग रहता है कि इतने टाइम के बाद और दो बूस्टर ऑन करना है, कि कब ये बूस्टर्स ऑन करना है। तो आपको बूस्टर समझ में आ गया? तो बूस्टर्स का क्या काम है? बूस्टर्स का काम बूस्ट करना है, यानी कि जो कैपेसिटी है, यानी कि जो फोर्स है, जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट है, THRUST, थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ धकेलना, वो थ्रस्ट हो गया, ठीक है? थ्रस्ट जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाना। जो दीपावली के रॉकेट चलते कैसे है, उसमें कौन से फ्यूल होता है दीपावली के रॉकेट में? वो बारूद जो होता है ना, जो हम माचिस मारते हैं ऐसे करके दीपावली में, ये ऐसे करके यहाँ तिल्ली लगी रहती है, कहाँ गया, यहाँ बम पटाखा था, पता नहीं कहाँ चले गया, यहाँ पर एक तिल्ली लगाते हैं और ये जूम करके ऊपर उड़ जाती है, सॉलिड फ्यूल होता है ना, वही बारूद सॉलिड होता है, उसमें तो कोई लिक्विड नहीं होता, ठीक है? लेकिन इसमें जो है पीएसएलवी में सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल दोनों होता है, ठीक है? अब जो लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल को जो चलने के लिए जो है उनको चाहिए होता है एक इंजन ज़रूरत होता है। तो इंडिया के पास अपने इंडिजीनियसली बिल्ड, अपना जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंडिया ने अपना खुद का इंजन बना रखा है, दूसरे कंट्री से लिया नहीं है, लिक्विड फ्यूल के लिए वो अपना इंजन खुद बनाता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब जैसे जैसे रॉकेट आसमान में जाते रहता है ना, ऊपर उड़ते रहता है, वैसे वैसे एक एक जो है इसका पार्ट जो है ना हट जाता है, इजेक्ट करने लगता है। वो टेक्नोलॉजी है कि कब हमें ये इजेक्ट करवाना, जैसे कि कितना ऊंचाई जाने के बाद ये बूस्टर्स अलग हो जाएंगे, यानी कि ये बूस्टर्स अलग हो जाएगा। अब बूस्टर्स अलग हो कि ये नीचे गिर जाएगा या ऊपर चल जाएगा, जो भी हो नीचे गिर जाएगा बूस्टर्स। अब आगे जाने के बाद ये जो फर्स्ट स्टेज है ये हट जाएगा, अब ये दूसरा स्टेज जो है ये फायर हो जाएगा, दूसरा स्टेज ये फायर हो जाएगा। अब दूसरा स्टेज जब फायर हो गया, मतलब रॉकेट हल्का हो गया, इसका मतलब इसका स्पीड और बढ़ गया, ठीक है? और कुछ ऊंचाई जाने के बाद जो है उनका ऑलरेडी कैलकुलेशन रहता है, ये जो है ये हट जाएगा सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज का जो रॉकेट है वो चालू हो जाएगा, थर्ड स्टेज का रॉकेट जो है, फिर वो अपना थर्ड स्टेज जाने के बाद फोर्थ स्टेज आया, फोर्थ स्टेज में जाने के बाद जो ऑर्बिट में उसको चाहिए होता है वो ऑर्बिट में जाके ये वाला जो एरिया जो है, ये कैप्सूल का जैसे दिख रहा है, ये दो टुकड़ा में बने रहता है, जो ऊपर जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला को क्या बोलते हैं, पेलोड, क्या बोलते हैं, पेलोड। पेलोड मतलब कि जो सामान रखने का जगह, या इसका पेलोड क्या है, सैटेलाइट्स है,
ठीक है, जो सेटेलाइट्स हम भेजते हैं, ये पेलोड जो है, ये पेलोड जो है ना, ये दो हिस्से में बने रहता है ऐसे। ये रहता है, अब जब ऊपर जाते हैं आसमान में, मान लीजिए कि ये इसका पेलोड है, ठीक है, ये पेलोड है, जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाने के बाद ये इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है, ये पेलोड का जो, ये जो ऊपर का जो, ये ऊपरी परत, ये जो ढक्कन जो है, टक करके हट जाता है। अब एक के बाद एक सैटेलाइट को उन लोग ऑर्बिट में डालते चले जाते हैं। अब कैसे डालते, क्या डालते, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होता है, सब कुछ होता है, इसकी हमें इंटरेस्ट नहीं। फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझना है कि पीएसएलवी जो है रॉकेट में 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि लिक्विड फ्यूल भी होता है और सॉलिड फ्यूल भी होता है, इतना आपको याद रखना है। और साथ में बूस्टर रॉकेट्स होते हैं, और बूस्टर्स को रॉकेट नहीं बोलते, बूस्टर को रॉकेट नहीं बोलते, दिखते हैं रॉकेट के जैसे, उसको बूस्टर बोलते हैं। बूस्टर यानी कि उसकी गति को, स्पीड को बढ़ाना। और ये न्यूटन का कौन से लॉ के हिसाब से काम करता है, कौन सा लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब रॉकेट का जब फ्यूल जलता है, जब फ्यूल जलता है तो नीचे की तरफ इतना थ्रस्ट पैदा करता है, इतना जोर से थ्रस्ट पैदा करता है, एक्शन, एक्शन मतलब नीचे की तरफ जो आग फेंकने लगा वो एक्शन हो गया, इतनी हाई स्पीड से वो आता है, हाई स्पीड से एक थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब क्या करेगा, जब इतनी हाई स्पीड से आग निकलेगा, एक्शन इधर हुआ तो रिएक्शन क्या होगा, एवरी एक्शन इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना एक्शन होगा रिएक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना होगा। तो आग नीचे की तरफ निकलता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से काम करता है। पीएसएलवी यहाँ तक खत्म। अब जीएसएलवी जो होता है, अब हम आते हैं जीएसएलवी, जीएसएलवी जो होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको प्लेसमेंट कहाँ किया जाता है, नॉर्मली इक्वेटोरियल ऑर्बिट में किया जाता है, इक्वेटर के ऊपर किया जाता है, जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब ये जो पीएसएलवी जो है, पीएसएलवी की जो जो मैंने आपको बताया था, पीएसएलवी के जहां पर पेलोड जो है 1.5 टन तक ले जा सकता है सैटेलाइट, कितना, 1.5 टन तक, 1.5 टन, या एक सैटेलाइट 1.5 टन का ले लो, या फिर दो छोटे छोटे सैटेलाइट ले लो, जैसे भी, मतलब 1.5 टन तक की इसकी कैपेसिटी होती है, किसकी, पीएसएलवी की। जीएसएलवी की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टनेज की कैपेसिटी है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी कितना हो सकती है, करीब करीब 5 टन की होती है कैपेसिटी, इसकी 1.5 से 2 टन की कैपेसिटी होती है, अप टू 2 टन्स की कैपेसिटी होती है, पेलोड सामान, सामान यानी कि सैटेलाइट, ये पीएसएलवी का केस में। और जीएसएलवी में 5 टन तक के सैटेलाइट, मल्टीपल सैटेलाइट्स को भी वो ले जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सैटेलाइट को। अब पीएसएलवी और जीएसएलवी में, अब दोनों में फ़र्क क्या है, अब देख लीजिए। अब जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी भी वही सेम चीज़ है, ये मान, अब हम जीएसएलवी को देखते हैं, जीएसएलवी का डिज़ाइन देखते हैं, ये जीएसएलवी है, इसमें भी बूस्टर्स लगे रहते हैं, इसमें भी बूस्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये उसका पेलोड एरिया है, अब हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पेलोड एरिया क्या है। जीएसएलवी जो है 3 स्टेज का होता है, पीएसएलवी कितना स्टेज का होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, 4 स्टेज रॉकेट, पीएसएलवी इज अ 4 स्टेज रॉकेट सिस्टम, एंड जीएसएलवी इज अ 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम, 3 स्टेज का होता है, ठीक है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, और ये हो गया आपका तीसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहला स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता है, सॉलिड फ्यूल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल यूज। दूसरा स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज होता है, और तीसरा स्टेज में, यहीं पर एक नया चीज ऐड हो गया है जीएसएलवी में, क्योंकि इसके बिना 36,000 किलोमीटर ऑर्बिट में जाना मुश्किल है। जो तीसरा स्टेज में क्या है, सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है, तीसरा स्टेज में एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि फ्यूल तो लगता ही है, जिसमें तो बिना फ्यूल का चल नहीं सकता, लेकिन
तीसरा स्टेज में, वो इंडिया की कमाल चीज़ है, वो टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट है जो कि हमें किसी ज़माने में रशिया देना चाहता था बट अमेरिका के दबाव में आके नहीं दिया, 1991 की बात है। लेकिन बाद में इंडिया ने उसके एक दो साल बाद खुद ही डेवलप कर लिया, इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने खुद अपना डेवलप करा लिया, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो तीसरा स्टेज में जो होता है क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल पीएसएलवी में नहीं होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कभी भी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिएगा। जीएसएलवी में क्रायोजेनिक का इंजन का इस्तेमाल जरूरी है, बिना क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल के ये जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पर नहीं जा सकता, जीटीओ या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो भी हो, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए क्रायोजेनिक इंजन जरूरी है, इसके बिना नहीं जा सकता। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के तरह क्या यूज होता है, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि खाली फ्यूल तो जलेगा नहीं, चाहे वो पीएसएलवी हो चाहे जीएसएलवी हो, अगर फ्यूल होगा तो फ्यूल जलेगा नहीं जलेगा, और जब फ्यूल जलेगा नहीं तो मशीन चलेगा नहीं, यानी कि फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन होगा तभी तो फ्यूल जलेगा। तो इसके साथ क्या होता है, इसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन में, फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन LH, यह फ्यूल है क्रायोजेनिक इंजन का। और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर मतलब फ्यूल को जलाने के लिए तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन लिक्विड या ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ये दोनों जो है इनको ना, इनको रखने के लिए बहुत ही हाई मतलब नेगेटिव टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट -250 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ध्यान दीजिए माइनस और -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन का जो है और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन को जिसका टेम्परेचर को बहुत कम करना पड़ता है, करीब -250 डिग्री सेंटीग्रेड, उस तरह ऑक्सीजन को -150 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे फ्रिज में जो हम बर्फ बनाते हैं, जो आइस बॉक्स जो होता है फ्रिज में ऊपर जो होता है, 0 डिग्री में आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है ना, सोचिए 0 से भी 250 कम, मतलब समझ लीजिए कितना ठंड में इसको रखना पड़ता होगा। अब आप समझ रहे हैं कि क्रायोजेनिक इंजन को बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्रायोजेनिक इंजन को बनाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज होती है उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल, क्रायो, क्रायो मतलब होता है ठंडा, क्रायोजेनिक फ्यूल। और क्रायोजेनिक फ्यूल को जो है वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में रखा जाता है, और जब वो इंजन को चालू किया जाता है, जब वो थर्ड स्टेज में इंजन चालू होगा, अब जब इंजन चालू होगा तो डेफिनेट आप सब जानते हैं कि हीट जनरेट होता ही होता है। अब हीट जनरेट जब होगा, ऊपर से वेरी हाई फ्लेमेबल हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन में जो है जो फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही घातक फ्यूल है, और उसको रखना है ठंडा, और साथ में इंजन जब चालू हो रहा है इंजन को तो गर्मी तो पैदा करेगा ही, तो सोचिए कि वो टेक्नोलॉजी कितना उन्नत किस्म का है कि उस इंजन में को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फ्यूल तो उस टेम्परेचर में रहेगी, साथ में जब इंजन शुरू होगी, थर्ड स्टेज शुरू होगी, वो अपना काम करते हुए जाएगी, यानी कि वो जलते हुए तो इंजन चलते हुए जाएगी, जो हीट जो जनरेट होगा वो इन पर कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा, किस पर, क्रायोजेनिक इंजन पर। अब क्रायोजेनिक इंजन की कैपेसिटी में सॉरी इसकी पेलोड कैपेसिटी, जीएसएलवी की पेलोड कैपेसिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 5 टन तक की कैपेसिटी है, बहुत हैवी कैपेसिटी है, बहुत हैवी रॉकेट है, बहुत ही बेहतरीन रॉकेट सिस्टम है। लेकिन पीएसएलवी जो है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोस्ट डिपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसकी जो सक्सेस रेट बहुत ही बेहतरीन रही है, बहुत ही अच्छा रहा है, हम इंडियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो जीएसएलवी रॉकेट है, ये कौन सी जनरेशन का रॉकेट अगर कोई पूछेगा आपको, तो 4th जनरेशन, ये 4th जनरेशन का रॉकेट है।
अब आप कहेंगे कि सर फोर्थ जनरेशन है तो पहला जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन भी कुछ था क्या? हाँ जी था, पहला जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन का ये GSLV है जो आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन एडवांस रॉकेट सिस्टम है विथ क्रायोजेनिक इंजन, और आगे आगे फिफ्थ जनरेशन का भी रॉकेट सिस्टम्स आ रहा है जो कि इंडिया भी उसमें काम चालू कर दिया है। एलन मस्क का नाम आप सुने होंगे ना, SpaceX का एलन मस्क, एलोन मस्क ELON एलोन MUS के मस्क, ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन का उसने टेस्टिंग कर लिया है, उसको कुछ सक्सेस मिला है, इंडिया उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, और बहुत ही जल्दी हमारे जो साइंटिस्ट जो है, हमारे साइंटिस्ट में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बहुत ही जल्दी वो भी फिफ्थ जनरेशन रॉकेट्स जो है डेवलप कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम जनरेशन ऑफ रॉकेट्स थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। हम आज फास्ट गए हैं इस उम्मीद से कि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो, पता नहीं कितना टाइम लग गया होगा, मैं तो टाइम वॉच नहीं करता हूँ जानबूझ कर, थोड़ा मैं फास्ट गया हूँ, शॉर्ट में भी गया हूँ। अब जो है पहले जो था SLV, ये है फर्स्ट जनरेशन, याद रखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर दूसरा आया SLV, ये सेकेंड जनरेशन। ASLV का मतलब होता है या तो एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल लीजिए या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल लीजिए। ए से या तो एडवांस्ड बोल लीजिए या फिर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल दीजिए। ये हो गया सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आ गया PSLV, ये आ गया हमारा थर्ड जनरेशन, जिसका कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, ठीक है, PSLV जो है। अच्छा, अब फोर्थ जनरेशन जो आ गया हमारा GSLV, ये हो गया फोर्थ जनरेशन, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, जो कि अर्थ से हमारे जमीन से मीन सी लेवल से करीब करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर में होता है, ठीक है, होता है GSLV, फोर्थ जनरेशन। अब जो इंडिया जो डेवलप कर रहा है वो फिफ्थ जनरेशन, उसमें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं RSLV। ये अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी हम लोग इस ये और ये तो मेन हमारा स्टार है, ये PSLV और GSLV, ये दोनों इंडिया यूज कर रही है। अभी RSLV पर अभी रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। R से क्या होता है, री यूजेबल यानी कि दोबारा से यूज करने लायक, दोबारा से यूज करने वाला, जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, री यूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब समझे, मतलब जैसे जैसे जो रॉकेट ऊपर जाते रहती, आसमान में जाते रहती, स्पेस में जाते रहती, इसका स्टेजेस गिरते रहते हैं, है ना, वो स्टेज गिर के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि रॉकेट का जो बनाने में लागत बहुत आती है, बहुत हैवी लागत आती है, ये 100-200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ में आ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में आते हैं एक रॉकेट बनाने में, ठीक है। अब ये जो है इसके स्टेजेस गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, कोई समुंदर में गिर गया, कोई कहीं गिर गया, इतनी ऊंचाई से गिरा, नष्ट हो गया, जल गया, तब ये रीयूजेबल टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जब उस स्टेज का काम खत्म हो गया उसको वापस धरती पे ले आएगा। ऐसा टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप कर रहा है, ये एलोन मस्क ने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है रीयूजेबल सैटेलाइट्स जो है, लॉन्च व्हीकल जो है, ये वापस ले आएगा, जिसको कि दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं उस पार्ट को, यानी कि इससे जो है गवर्नमेंट का खर्चा घटेगा आगे चल कर, ठीक है। और अब अभी देखिए, अब इंडिया जो है और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, कई सारे रॉकेट्स में काम कर रहा है, मेन जो है मेन फोकस है हमारा PSLV और GSLV, वो तो ठीक है, ठीक है, यहाँ आप समझिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फर्स्ट जनरेशन, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सेकंड जनरेशन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड जनरेशन, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फोर्थ जनरेशन, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये आ जाएगा आपका फिफ्थ जनरेशन। जैसे मोबाइल फ़ोन का भी था ना, 1G 2G 3G 4G, अभी तो हम लोग मैक्सिमम इंडिया में सब 4G यूज़ कर रहे हैं, 5G ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, ठीक है, कहीं कहीं टेस्टिंग पर चल रही है, ठीक है, अभी कई जगह चल रही है, एयरटेल भी टेस्टिंग कर रहा है 5G की,
मतलब अभी पब्लिक यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड जगह पर, कहाँ जहाँ जहाँ अवेलेबल है इंडिया में। तो ये जनरेशन हर जनरेशन के हर जनरेशन में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है, मशीनरी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे SLV में जो कुछ फीचर्स थे, ASLV में उससे फीचर बढ़ के आगे, PSLV में उससे और ज़्यादा फीचर्स बढ़ गए, GSLV में और ज़्यादा बढ़ गए, RSLV में और ज़्यादा फीचर बढ़ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता रहेगा, मतलब उस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स और बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इंडिया के पास जो है ये चीज़ याद रखिएगा, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RSLV, ये याद रखिएगा। इंडिया के पास अब ये भी है, इंडिया ने टेस्ट किया है वो, हालांकि एक बार फेल हो गया था, पर कोई बात नहीं, वो माइनर एक एरर के कारण हुआ था। उसका भी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सब सही चला था, फाइनल स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। उसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। ठीक है, SSLV पर चर्चा हम किसी और दिन कर सकते हैं। आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है ये है कि ये वाला जो रॉकेट है ना, स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च करता है, ये बहुत ही हल्का होता है और इसको असेंबल करने में, इसको बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है, 72 घंटे में बन जाता है, 72 आवर्स में। और बाकी जो PSLV और GSLV जो है ना, उसको तो मतलब लॉन्च करने से पहले 3 महीना पहले असेंबली स्टार्ट होता है, यानी कि उसको असेंबल करने में ही 3 महीना लग जाता है। ठीक है, आज मैं रॉकेट असेंबली के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, वरना ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और क्लास में मैं आपको रॉकेट असेंबली के बारे में बताऊंगा कि रॉकेट असेंबल किस तरह से किया जाता है और लॉन्च पैड में कैसे लाया जाता है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो दो लॉन्च पैड्स हैं और 2 असेंबली यूनिट्स हैं, वहाँ काम कैसे करता है, रॉकेट का पार्ट्स कहाँ पर बनाया जाता है, ये सब चीज़ मैं आपको एक दूसरा क्लास में बता दूंगा। ठीक है, SSLV याद रहेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी तरह माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MSLV, जिसमें कि आजकल तो जो है ना टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के साथ हर चीज़ छोटी होती जाती है। विद द इम्प्रूव ऑफ टेक्नोलॉजी द साइज ऑफ अ गैजेट, द कैपेसिटी ऑफ अ गैजेट इंक्रीजेज एंड द साइज डिक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, वो पर्टिकुलर सामान का जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, वो और बढ़ता जाएगा और सामान छोटा छोटा होते जाएगा। सही है ना? तो उसी तरह जो टेक्नोलॉजी जिस कदर से बढ़ रहा है, आगे चल के इतने भारी भरकम सैटेलाइट छोड़ना नहीं पड़ेगा, आगे चल के छोटे छोटे सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे, स्मॉल सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे। तो इंडिया के पास उसके लिए भी ऑलरेडी चीज़ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसके बाद तो और भी छोटे सैटेलाइट हो जाएंगे, माइक्रो सैटेलाइट्स हो जाएंगे, जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो कि स्कूल के बच्चे बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बनाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उनको गवर्नमेंट फंड कर देती है कि चलो ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने बनाया है। इससे क्या किया, ताकि स्टूडेंट्स का रुझाव जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, एरोस्पेस की तरफ बढ़े। और हमारे जो करंट जो गवर्नमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड है साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, उनका बहुत सारा फोकस जो है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर है, उनका बहुत सारा एफर्ट्स जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेके स्पेस टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स केंद्रित है। और आज कल दुनिया में देखिए, एक जो बैलेंस ऑफ पावर तभी मेंटेन हो पाएगा जब आपके पास एक एडिक्वेट टेक्नोलॉजी हो, एडिक्वेट ताकत हो। और आप अगर कोई भी कंट्री, आपका मतलब कोई भी कंट्री अगर एरोस्पेस में, एरोस्पेस के फील्ड में माहिर है, मतलब वो एक ताकतवर कंट्री है। और ये इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है, ये जो रॉकेट बनाना, और खासकर क्रायोजेनिक इंजन हर कोई नहीं बना सकता, ये आप समझ लीजिए। क्रायोजेनिक इंजन एक बहुत उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट सब बना सकते हैं, सैटेलाइट बनाना आसान है, रॉकेट बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। रॉकेट इंडिया के पास जैसा भी है, ठीक है ना, फ्रांस के पास है, ठीक है, US के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है, ये टेक्नोलॉजी है। तो हमने जो डेवलप किया, अपने आप डेवलप किया, हम इंडियन, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम पे हंस सकते हो, देखो ये क्या कर रहे हैं, आज तुम हमारे पर हंसोगे, कल तुम हमारे ऊपर गुरूर करोगे, क्योंकि हम वो है। तुम्हारी हंसी को हम चैलेंज के जैसे लेते हैं, और उस चैलेंज को हम आपको उसको उसमें हम काम करते हैं उस चैलेंज को, और उसको एक जुनून बना देते हैं, और उस जुनून से हम तुम्हें रिजल्ट कर दिखा देते हैं कि देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हम कर सकते हैं, हम में कैपेसिटी है, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, तुमने थोड़ी दिन पहले शुरू किया था, थोड़े ज़्यादा वक्त ले चुके हैं, इसीलिए तुम थोड़े से मेरे से आगे हो, लेकिन हम तुमसे पीछे नहीं हैं, हम तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं, पीछे नहीं हैं, बस टाइम की बात है, कुछ सालों की बात है, हम तुमसे आगे चले जाएंगे, और हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट में एक कैपेसिटी है, हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और जो लिक्विड फ्यूल जो मैंने बोला था,
जो लिक्विड फ्यूल यूज़ होते हैं रॉकेट्स में, हमारे PSLV और GSLV में, जो इंजन उसमें यूज होता है, वो इंजन भी इंडिया ने खुद बनाया था, विनायक इंजन बोलते हैं, ठीक है। अब अभी भी वो वही यूज हो रहा है, सिंगल इंजन है वो, विनायक इंजन जो है वो यूज होता है उसमें, ठीक है। अगर बाकी आपको और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, डाउट्स है वगैरह है, आप हमें बोल सकते हैं। GSLV जो सेटेलाइट जो है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये जो घर में आप टेलीविज़न वगैरह देखते हो, डायरेक्ट टू होम वगैरह, ठीक है ना, DTH जो देखते हो, जो डिश TV वगैरह जो लगाते हो, ये सारे GSLV सेटेलाइट्स का कमाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा, आप लोग भी पढ़ाई लिखाई अच्छे करते रहिए। अगर आपके मन में कोई आता कि कोई टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर चर्चा होना चाहिए, आप बेझिझक मुझे बोलिए, हम उस पर कोशिश करेंगे कि उसको प्रेजेंट करने के लिए। और आपको कैसा लगा ये टॉपिक आज, हम ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी बताइए, अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए। बस हमारा उद्देश्य है कि नॉलेज आपको पार्ट करे, आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए, ठीक है। थैंक यू।